हाँ क्लास, मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी? मेरा चला गया था नेटवर्क, अब आ गया है वापस। कितने लोग को ये समझा कि AB45 कैसे आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट? हाउ डिड आई गेट AB45? डन। कैन आई मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? तो क्या आप तुम टाइम निकाल के बता सकते हो कितना आएगा? बच्चों वाला खेल हो गया। टाइम बराबर क्या था क्लास? ए बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ए बी कितना है क्लास? 45 बराबर है, पर 45 × 10⁻²⁻² करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी 45 सेंटीमीटर आया, तो आप उसको 45 × 10⁻²⁻² लिखेंगे। बराबर है? होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना आया था? 9/4 × 10⁻⁸। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 × 10⁻¹० सेकेंड्स आएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹⁹ सेकेंड्स, या तो आप इसको लिख सकते हैं 2 नैनो सेकेंड्स। ये आपका टाइम आएगा, ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। 2 नैनो सेकेंड्स आपका फाइनल आंसर। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, समझा? कैन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग? सर वो 3 हो ही सही है क्या? क्या अमन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू राइटिंग। अमन क्या कह रहे हैं आप? -2 क्यों लिया? अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे लीना कदम। व्हेन यू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, यू मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ऑल द 3 आंसर सही है क्या? किधर निकाला मैंने 3 आंसर? किधर लिखा? एक ही तो आंसर निकाला, 2 नैनो सेकेंड्स। वेयर डिड आई फाइंड 3 आंसर्स? वी हैव फाउंड ओनली 1 आंसर्स। ओके बाकी लोग, क्वेश्चन समझ में आया? टाइम 2 नैनो सेकेंड्स आया, बात समझ में आया? ठीक है। अरे तीनों आंसर एक ही है बेटा, तीनों आंसर एक ही है ना? बराबर। तीनों आंसर तो एक ही है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही मतलब है। चलो फटाफट रिप्लाई करो, क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन डन कर दूं, आगे बढ़ूं? सेकेंड क्वेश्चन वैसे भी डन है, हमने सेकेंड क्वेश्चन वैसे भी कर लिया है। बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, पर थर्ड क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप जरूर करेंगे होमवर्क में, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा फोर्थ क्वेश्चन। यूनिट हर बार यही आएगा क्या? कौन सा यूनिट क्लास? लीना कदम, अगर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का पहला चैप्टर अगर आपने बैठे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे जो वेलोसिटी ऑफ पानी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पानी निकाला है हमने, वो निकाला है मीटर प्रति सेकेंड में, तो ऊपर हम डिस्टेंस सेंटीमीटर में पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने वो पुट किया मीटर में। पहला डाउट अगर किसी को आएगा कि मैंने यहां पे मीटर में कन्वर्ट क्यों किया। दूसरा डाउट किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि अगर मैंने एग्जाम में आंसर ऐसे ही छोड़ दिया, तो अगर मैंने ये आगे का कार्यक्रम नहीं किया तो क्या मुझे गलत मार्क्स, क्या मुझे कम मार्क्स मिलेंगे या रॉन्ग बोल दिया जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग नहीं बोला जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने एग्जाम में यहां तक लाके लिखा तो ये भी सही होगा, और अगर मैंने एग्जाम में ऐसा लिखा ये भी सही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स है, सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स नहीं है टाइम का ऐसा यूनिट। तो अगर आपने सेकेंड्स में लाके भी छोड़ा तो भी चलेगा,
फिर आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर आपने क्यों नैनो सेकेंड्स में लाके दिखाया, ताकि मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक के साथ मैच करके दिखा सकूं कि मैंने सही आंसर लाया है। पर अगर टेक्स्ट बुक का आंसर आपको थोड़ी पता होगा एग्जाम में आंसर क्या है क्या नहीं है, आप थोड़ी एग्जाम में ऐसा पता है कि आपको आंसर क्या है, तो जो एसआई यूनिट है जैसे टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड्स है, उसमें लाके आप आपका आंसर छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या अब किसी के दिमाग में कोई डाउट आया? शायद मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। बढ़िया, एकदम पक्का। सीबीएसई में शॉर्टकट मारने की कोशिश भी मत करना। आगे बढ़ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम बोल रहा हूं, होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तैयार सब लोग का? अरे हा या ना, हो या नहीं हो, मौजूद हो कि नहीं हो बेटा? 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हमने एक ही क्वेश्चन किया अभी तक से, मजा नहीं लाइफ? ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं। नहीं, ये तो है नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करके लाने का था ना, कॉपी पेस्ट, हाँ ये रहा चौथा। अ कार यूजेस कॉनवेक्स मिरर ऑफ कर्वेचर 1.2 मीटर एज अ रियर व्यू मिरर, मिनी बस ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना 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 इज 6.6 मीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर, एस्टिमेट द इमेज साइज। पहले मैं जरा डायग्रामेटिकली आपको संतुष्ट कर दूं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो हमारे पास एक कॉनवेक्स मिरर है। ठीक है, सो कॉनवेक्स मिरर कैसा होता है जरा हम इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, सो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बेटर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि हमें अंदर की तरफ इस तरह से शेडिंग करनी चाहिए, बराबर है, और जो मिरर होगा वो इस आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन करता है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये एक रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मतलब किसी भी कार में जो बाजू में दो मिरर लगे होते हैं, वो मिरर पीछे से आने वाली चीजों को देखने के लिए लगे हुए होते हैं। तो इस कार में ये मिरर लगा हुआ है और पीछे से आ रही है एक मिनी बस, तो मैं उसको यहां बना रहा हूं। ठीक है शिफा, अगर आप फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और बाकी लोग भी, तो आपको थर्ड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो जितने अच्छी तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे उतनी अच्छी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई चीज होमवर्क दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि वो आप लोगों की कैपेबिलिटी के अंदर है, और मैं आपको ऐसे बीच में नहीं छोड़ दूंगा कि डायरेक्टली एक ऐसा क्वेश्चन जो कभी आपने सुना ना हो और वो आपको होमवर्क दे दूं। इसलिए फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि मैंने किस तरह का प्रोसीजर अपनाया है, तो थर्ड क्वेश्चन जब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर आ जाएगा जब आप इसका डायग्राम बना लेंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी। पहली बात तो फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन का भी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। जो आप यहां पे पीछे मिनी बस देख रहे हैं, वो मिनी बस 2.4x2.4 के साइज की है। कौन से साइज की है? 2.4x2.4। What does that mean? This means ये लंबाई 2.4 मीटर की है। ठीक है,
और ये वाली लंबाई यहां से लेके यहां तक ये भी 2.4 मीटर का, 2.4 इंटू 2.4 मतलब लंबाई और विड्थ दोनों 2.4 का। और एक चीज उसने साफ साफ कही है कि जो मिनी बस है वो 6.6 मीटर्स दूर है मिरर से। सो मिरर यानी कि हम यहां से नापेंगे डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 6.6 मीटर। वो हमसे ये पूछ रहा है एस्टिमेट द इमेज साइज, एस्टिमेट द इमेज साइज। वो हमसे क्या पूछ रहा है वो बाद में जाने दो, पहले मुझसे ये सवाल का मुझे आप जवाब दो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यस एब्सोल्युटली मिनी बस एक स्क्वायर के शेप में है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। कार में, कार के मिरर से पीछे आने वाली एक मिनी बस को देखा जा रहा है, मिनी बस का साइज हमें दिया हुआ है, मिनी बस की दूरी हमारे लेंथ हमारे मिरर से कितनी है वो हमें दिया हुआ है। हमें यह बताना है कि हमें मिनी बस का साइज कैसा दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन सब लोग के दिमाग में क्लियर है, हाँ या ना? कम ऑन, हैज एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ओके, मैं ये जानना चाहता हूं कि दसवीं क्लास में क्या आपने कभी इमेज साइज नाम की चीज सुनी है? उसको H2 बोला जाता है। पायल जो आप V बोल रहे हैं उसको इमेज का साइज नहीं, उसको इमेज का डिस्टेंस बोला जाता है। जो आप U बोलते हैं उसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोला जाता है। छोटू M नाम की आपने एक चीज सुनी होगी उसको मैग्निफिकेशन बोला जाता है। आई होप ये बातें आपने दसवीं क्लास के अंदर सुनी हो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए होता है H2 अपॉन H1 बराबर माइनस V बाय U, जिसमें H2 इमेज की साइज होती है और H1 इज ऑब्जेक्ट का साइज। हो सकता है बहुत लोग को ये ना समझ में आए, साइज मतलब उसकी हाइट, साइज मतलब उसकी हाइट, ठीक है। H2 इमेज की साइज होती है यानी इमेज की हाइट होती है, H1 ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। तो क्या आप जानते हैं क्लास कि आपके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, बता दो वर्दा, टेंशन मतलब अभी मैं उसके पास आया नहीं हूं, जस्ट 2 मिनट्स होल्ड, आई विल टेल यू, ठीक है। हाँ, क्या कोई जानता है आपके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2.4 मीटर्स बराबर। क्या आप जानते हैं कि हमें ढूंढना क्या है? हमें H2 ढूंढना है यानी कि हमें इमेज की हाइट ढूंढनी है। आयुष विश्वकर्मा का सवाल है कि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन कैसे आया? आयुष विश्वकर्मा वो हम डेरिवेशन में सीखते हैं दसवीं क्लास के अंदर, फिलहाल हमारा मोटिव वो नहीं है कि ये माइनस साइन यहाँ पे कैसे आया। ये फॉर्मूले में ही माइनस साइन होता है, दसवीं क्लास में जब हमने डेरिवेशन किया था तब हमने दिया था, बट क्योंकि आपने पूछ लिया है तो मैं आपको और एक हिंट, थोड़ा सा एक नॉलेज देना चाहूंगा। अगर आप मैग्निफिकेशन फॉर मिरर लिख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर आप मैग्निफिकेशन फॉर लेंस लिख रहे होते तो ये टोटल फॉर्मूला सेम होता, बस माइनस साइन नहीं आता लेंस के केस में, जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज, ठीक है। सो नाउ क्लास यू हैव वेरी वेरी अंडरस्टूड दैट यू वांट H2, H1 आपके पास है। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है क्या V और U में से एक और चीज आपके पास है, वो है U यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट 6.6 मीटर की दूरी पे है, मैं यहां पे लिखूंगा -6.6 मीटर। इस माइनस साइन का जवाब मैं आपको दे सकता हूं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए आपने यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में माइनस साइन डाला। लगे तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, नेगेटिव आपने क्यों डाला? क्योंकि आप लेफ्ट साइड मिरर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, बराबर है।
फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं और एक बात कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोग तीन फॉर्मूले एक साथ देख देख के उनको सांस नहीं आती। हम एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले, H2 by H1 is minus V by U. We are going to apply this formula. And in this formula, we are interested in only H2. ठीक है? तो यहां से हमारे पास H2 क्या आएगा? यहां पे हमारे पास H2 आएगा. H2 बराबर minus V by U into H1. ये हम करने वाले हैं. और हम पता लगा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज मौजूद है. तो हमें पता चला कि हमारे पास H1 पहले से ही है, हमारे पास U पहले से ही है, हमारे पास V नहीं है. अगर हम V का जुगाड़ कर सके तो हम H2 इजीली निकाल सकते हैं. क्या आप लोगों को आइटेनरी समझ में आ रहा है? आइटेनरी का मतलब हम क्या क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ रहा है? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड टू गेट द H2. डन एवरीबडी? बराबर? पक्का? सब लोग का रिप्लाई नहीं आया, सो गए क्या? डन? क्या बता सकते हैं कि मैं वी कैसे निकाल सकता हूं? मैंने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला. मुझे लगता है ये चीज बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होगी. मिरर फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U. सुना है कभी ऐसा फॉर्मूला? राइट? आप जानते हैं इसमें एफ क्या है? क्या आप जानते हैं इसमें एफ क्या है? एफ को बोला जाता है फोकल लेंथ. वरदान. और आप जानते हैं फोकल लेंथ कैसे निकाला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2. बराबर? तो क्या हम क्वेश्चन में जाके पता कर सकते हैं कि हमारे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने का है? 1.2 मीटर्स का है रेडियस ऑफ कर्वेचर. पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डायग्राम में कहां बनाएंगे? ये भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. तो डायग्राम में रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया जाता है दिमाग लगा के. देखिए, जब आप ये कर्व बनाओगे, जब आप ये कर्व बनाओगे तो आप कंपस का इस्तेमाल करोगे. मेरा सवाल आपसे है, ये कर्व बनाने के लिए आप कंपस कहां लगाओगे? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? सब लोग, ऑब्वियस ही बात है, आप कंपस यहां लगाओगे ना, आप कंपस का टिप यहां रख के इसको ड्रॉ करोगे, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस नॉलेज से आपको ये चीज पता चली कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होना चाहिए. बराबर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पॉजिटिव है तो आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/2/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आपका फोकल लेंथ आएगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, वो भी प्लस में. कितने लोग को समझा कि मैंने फोकल लेंथ कैसे निकाला और फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है? कितने लोग को समझा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव क्यों है? और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा. यहां से हमें वी निकालना है तो बस हम बचपन का थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर फटाफट चीज हो जाएगी. मैं 1/V में इंटरेस्टेड हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/F माइनस 1/U. 1/V बराबर 1/F में पुट कर सकता हूं 0.6 माइनस -6.6 क्योंकि हमारा u -6.6 है. 1/V बराबर इसको मैं लिख सकता हूं 1/0.6 प्लस 1/6.6. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. एलसीएम कितना आ सकता है यहां से? 1/V. 0.6 और 6.6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 3.96. मल्टीप्लाई कर देंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये होगा 6.6 प्लस 0.6 यानी कि ये हो जाएगा 7.2/3.96. बराबर? 7.2 और 3.96 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पहले तो डेसिमल हटाना पड़ेगा. तो डेसिमल अगर आप हटाएंगे तो ऊपर आपको 720 मिल जाएगा, नीचे आपको 396 मिल जाएगा. बराबर? तो अगर 720 और 396 अगर आप सॉल्व करने के पीछे जाते हैं
तो आपको मिलना चाहिए ये तकरीबन 20/11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यानी कि आपको V मिलना चाहिए 11/20 यानी कि आपको V मिलना चाहिए 0.55 मीटर्स। नहीं क्रेश, आप वो कर सकते हो बट आंसर तो आ रहा है। क्या हमारा V आ गया 0.55 मीटर्स? अब किस बात की देरी है? फाइनल फॉर्मूला आपके पास था, H2 बराबर कितना था आपके पास? फाइनल फॉर्मूला ऊपर जाके चेक करेंगे, हाउ मच वाज H2? यस, वी हैव H2 माइनस V बाय U इनटू H1, माइनस V बाय U इनटू H1, बट आई थिंक अपना V पुट करने लायक है। ठीक है, V कितना है 0.55, U कितना है, यहां पे वैसे माइनस आएगा, U कितना है -6.6 और H1 कितना था 2.4, राइट? ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका H2 आना चाहिए कितना, 0.19, which can be written as 0.2 meters. I think we are matching the textbook. Yes, we are matching the textbook. 0.2 meters. कितने लोगों को कहानी समझी? बढ़िया। सबको समझा? साई सॉल्व करके आया बेटा, 0.2 करके देखो, 0.55 है ना, इनटू अगर 2.4 करोगे तो 1.32 आता है, और उसको अगर आपने डिवाइड किया 6.6 के साथ तो एग्जैक्टली 0.2 आता है, 0.19 भी नहीं आता है, एग्जैक्टली 0.2 आंसर आता है। ठीक है, डन है क्या? आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? Has everybody understood this question number 4? Done. पक्का। अब question number 3 आप लोगों को solve करना है, ठीक है? याद रखिए diagram exactly same बनेगा, परंतु जो mirror है वो concave है, ठीक है? आपने अभी convex के लिए solve किया है, सबसे पहला change ये होगा, ठीक है? दूसरा बड़ा चेंज ये है कि आपको डायग्राम बना के ये पूरा दिखाना है कि इमेज पूरा का पूरा कैसे बनेगा। डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, बस मिरर कॉनकेव है, मतलब मिरर ऐसा उल्टा बनेगा। मैं आपको टिप दे देता हूं, टिप ये है कि डायग्राम बनाने के बाद आप पहले सॉल्व करें उस चीज को। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उस रेक्टेंगुलर शीट के इस पार्ट को ऑब्जेक्ट कंसीडर करें और सॉल्व करें। इस पार्ट को ऑब्जेक्ट कंसीडर करके आप उसका इमेज डिस्टेंस निकालें और आप उसका हाइट ऑफ द इमेज निकालें। फिर आप रेक्टेंगुलर शीट के इस भाग को ऑब्जेक्ट कंसीडर करें और इस भाग का इमेज कहां बनेगा वो निकालें और इस भाग के हाइट निकालें। याद रखिए, जब आप एक कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं तो कॉनकेव मिरर जब इमेज बनाता है तो वो इमेज एक जैसा नहीं बनाता।
अगर इमेज ऑब्जेक्ट अगर लंबा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज सेम लंबाई में नहीं दिखेगा, कहीं पे बड़ा दिखेगा कहीं पे छोटा दिखेगा। तो इसलिए जब आप कार में मिरर यूज करते हो तो वो कॉनवेक्स होता है, कॉनकेव नहीं होता, पर आपको यहां पे कॉनकेव इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, रेक्टेंगुलर शीट अगर आप ले रहे हो तो ये रेक्टेंगुलर शीट ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ इट्स अ रेक्टेंगुलर शीट, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर की है, उसका ब्रेथ 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, सब क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है और यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है। इसलिए मैंने आपको कहा इस चीज को सबसे पहले ऑब्जेक्ट माने, उसका इमेज कहां बनेगा और इमेज की हाइट कितनी होगी वो निकालें, फिर इस चीज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करें और उसका इमेज कहां बनेगा और हाइट कितनी होगी ये निकालें, उसके बाद उसको देख के डायग्राम बनाने की कोशिश करें। क्लियर है? विल यू ट्राई दिस? विल यू ट्राई द थर्ड क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? पक्का? नेक्स्ट लेक्चर में आने का मुझे चाहिए, ठीक है? अरे यू गिवन है ना मेरे भाई आयुष विश्वकर्मा, पढ़ना, द लेंथ ऑफ द शीट इज 30 सेंटीमीटर्स ना, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ 30 सेंटीमीटर की है, तो दिया हुआ है ना आपको यू, डायग्राम बना के दिखाओगे थोड़ा बहुत, ये देखो ये आपका कॉनकेव, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे आपका रेक्टेंगुलर शीट, इस रेक्टेंगुलर शीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर की है क्वेश्चन में बोला हुआ है, एंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसका ब्रेथ 3 सेंटीमीटर का है, is kept on the principal axis of a concave mirror of focal length 30 centimeters. मतलब मिरर का focal length ही 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, मिरर का focal length ही अगर 30 सेंटीमीटर का है तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया? कम ऑन, मिरर का focal length अगर 30 सेंटीमीटर है तो तुम्हें से क्या समझ में आया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मिरर का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का है इसका मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर का है। आई कुछ बात समझ में? अरे आया ना, पक्का? अब एक काम करो, देखो ऐसे समझो कि मिरर में यहां पे 10 सेंटीमीटर हो रहा है, यहां पे 20 हो रहा है, यहां पे 30 हो रहा है, यहां पे 40 हो रहा है और यहां पे 45 हो रहा है, तो यहां पे होगा 45 मतलब 55, 65, 75, तो यहां पे होगा 75 बराबर, चेक कर लो हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर आप ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हो तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -45 सेंटीमीटर का और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -75 सेंटीमीटर। देखा, आपको इस रेक्टेंगुलर शीट का मैंने स्टार्टिंग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया और मैंने बैक वाले चीज का भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर क्वेश्चन में किधर लिखा है कि 45 सेंटीमीटर पे रखना है और 75 नहीं लिखा है क्वेश्चन में, मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप लोग भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, मैंने मेरी मर्जी से ले लिया, आप भी अपनी मर्जी से ले लो। किसी को बात समझ में आई? पर मैंने कोशिश ये की है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 60 पे रखूं,
सेंटर पे, क्योंकि 60 उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ऐसे समझो कि मैंने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अबे सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? बात किसी को समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? दो बार सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, दो बार सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। पहली बारी इसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए तुम्हें इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट ये निकालनी पड़ेगी, और फिर तुम्हें इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करके इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट निकालनी पड़ेगी। ये दो चीज तुम करो बस। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 60 नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो उस बड़े ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि इसको अलग ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, इसको अलग ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, और फॉर बोथ द केसेस फाइंड इसका इमेज कहां बनेगा और इसकी हाइट कितनी होगी, इसका इमेज कहां बनेगा इसकी हाइट कितनी होगी, बाकी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। डन डन डन, क्लियर है? बढ़िया, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पक्का सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।